श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पंचबलि जरूर करें, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी असीम कृपा आपके ऊपर जीवन भर बनी रहती है। पितृ पक्ष में 5 जीवों को भोजन कराना ही पंचबलि कहलाता है, इससे पितरों की आत्मा शांत होती है। यदि आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पितृ पक्ष में इन 5 जीवों को भोजन जरूर कराएं। ये काम आप किसी भी पितृ पक्ष में कर सकते हैं। पितृ पक्ष में हमारी पितृ धरती पे आते हैं और वे जीव जंतुओं के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। पितरों की आत्मा तभी शांत होती है जब उन्हें अर्पित किए जाने वाले भोजन के 5 अंश हों। ये 5 अंश ही पंचवली कहलाते हैं। ये 5 अंश गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के नाम पर अलग अलग किए जाते हैं। पंचवली के बिना श्राद्ध पक्ष अधूरा माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में भोजन ग्रहण करने वाले 5 जीवों का अलग अलग महत्व होता है। कुत्ता जल तत्व, चींटी अग्नि तत्व, कौवा वायु तत्व, गाय पृथ्वी तत्व और देवता आकाश तत्व के प्रतीक माने जाते हैं। पितृपक्ष में इन जीवों को भोजन कराकर 5 तत्वों के प्रति आहार व्यक्त किया जाता है। पितृपक्ष की अवधि में इन जीवों को भोजन कराने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन भर उस घर में खुशहाली रहती है। जिस घर के व्यक्ति पंचबलि करते हैं उसके घर में पितरों की कृपा जीवन भर बनी रहती है, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं आती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान अपने घर पर पंचबलि जरूर करें, पंचबलि यानी कि 5 जीवों को भोजन जरूर कराएं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।